हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मतलब क्या होगा, जो केमिस्ट्री होता है दो प्राथमिक पार्ट होता है। एक होता है इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डायरेक्टली रिलेटेड करता है प्लांट एंड एनिमल से, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का एटम होता है, हाइड्रोकार्बन और उसका डेरिवेटिव्स होता है। और इसके बाहर जो होते हैं किसमें आगे, इनऑर्गेनिक में आगे। तो हम लोग इसी के बारे में, हाइड्रोकार्बन जो है दो भाग में बांटा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन देम। एक होता है सैचुरेटेड कोवेलेंट बॉन्ड होता है, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें फर्क क्या है, सैचुरेटेड मतलब क्या हो गया, सैचुरेटेड कोवेलेंट बॉन्ड मतलब बीच में क्या हो गया, जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में या तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो अगर सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो उसी को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा बिटवीन कार्बन टू कार्बन एंड कार्बन टू हाइड्रोजन। ये सिर्फ अब बात करेंगे सिर्फ हाइड्रोकार्बन, इसमें सिर्फ दो एटम होंगे, कार्बन होंगे और हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो आपको बाहर नहीं सोचना, हाइड्रोकार्बन में सिर्फ दो एटम होंगे। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, द कंपाउंड व्हिच इज फाउंड बाय द कार्बन एंड हाइड्रोजन इन नोन एज हाइड्रोकार्बन। तो सिर्फ हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। और अनसैचुरेटेड मतलब क्या हो गया, अनसैचुरेटेड जो हम लोग जो या तो दो दो बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा कार्बन और कार्बन के बीच में, तो कार्बन या हाइड्रोजन के बीच में दो या तीन बॉन्ड बनाएगा तो उसको किस में आ गया, अनसैचुरेटेड में आ गया। हम लोग का डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो उसको किस में आ गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आ गया। तो अब आप फर्क कैसे पाए कौन किसका है, कौन किसका है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो हम लोग का अगर सैचुरेटेड मान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सबसे पहले आप जो है रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड होता है और एक सफिक्सेस होता है, तो उसको याद कर लेंगे तो बहुत जरूरी रहेगा। जैसे ये क्या, मीथ मीथ इज प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नैन डेक। तो ये सब क्या हो गया, रूट वर्ड हो गया। ठीक है, रूट वर्ड हो गया, ये सब बीच में आ गया। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना, जो हम लोग का इसमें हम लोग का अनसैचुरेटेड में दो बॉन्ड बनाते हैं, दो वाला भी बनाता है, तीन वाला भी बनाता है, तो इसमें फर्क कैसे पाई कौन दो वाला है कौन तीन वाला है। तो ठीक है, अगर लास्ट में आप देखिए, अगर यहाँ जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है इसके लास्ट में अगर देखोगे ना, तो लास्ट में जो सफिक्सेस होगा इसके लास्ट सफिक्सेस में ए एन ई रहेगा, तो समझ जाना क्या हो गया, हम लोग का सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। ए एन ई अगर लास्ट में सफिक्सेस में आया तो सिंगल कोवेलेंट बना है, और अगर माने अब यहाँ पर दो आया था तो दो में कैसे फर्क है, अगर लास्ट में ई एन ई आया तो समझ जाना क्या, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। और अगर लास्ट में वाई एन ई आया तो समझ जाना क्या बनाया है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। तो इसे समझ जाना क्या, हम लोग को कैसे कैसे बनाया है। अब बात करेंगे यार, हम लोग का जो नंबर ऑफ कार्बन, अगर कोई भी चीज में अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम जब पता लगा लोगे ना, तो उसका हाइड्रोजन जो होगा, हाइड्रोजन नंबर जो होगा खुद ही निकल जाएगा, खुद ही निकल जाएगा, और ये भी निकल जाएगा उसमें कितना बॉन्ड है, ये भी निकल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये याद कर लीजिए, इसमें मीथ लगा तो नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होता है 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 7 8 9 10, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये सिंपल वाइज कितना आए तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इतना हो जाएगा। तो जैसे आप मीथ आए तो हम लोग अब इसका एक जनरल टर्म यहाँ पर देखिए, अगर ए यानी मतलब जो हम लोग का सैचुरेटेड कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसका क्या जनरल टर्म एक फार्मूला रहता है, तो इसका जो फार्मूला है क्या ना, CnH2n+2 सिंगल कोवेलेंट वाले का मतलब अल्केन, इसे क्या कहते हैं, अल्केन कहेंगे, अल्केन इसे क्या कहेंगे, अल्कीन कहेंगे इसे क्या कहेंगे, अल्काइन। ठीक है, तो अगर अल्केन ग्रुप का है तो समझ जाना वहां पर क्या, कौन सिंगल कोवेलेंट लगेगा उसके लास्ट में एन ही होगा सफिक्स में, और इसका जनरल टर्म जो होगा CnH2n+2, ये नाम क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्बन, ये मतलब क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, और तो दूसरा हो गया हम लोग का जो डबल बॉन्ड बनेगा, तो अल्किन में क्या होगा, CnH2n, ये हो गया। और यहाँ पर जो ट्रिपल में बनेगा तो क्या होगा, CnH2n-2। आपको सिंपली क्या सोचना है, जो सबसे पहले आता है अल्केन आता है तो उसमें 2 जोड़ा रहेगा, और फिर यहाँ पर जो आएगा 2 क्या होगा, घट जाएगा, फिर यहाँ पर जो आएगा 2 इसमें भी घटेगा। तो जितना ही हम लोग अल्केन से अल्कीन जाएंगे, अल्कीन से अल्काइन जाएंगे, तो 2-2 नंबर क्या होगा, आपको घटा देना है। हाइड्रोजन में जो नंबर ऑफ कार्बन होगा उतने में भी हाइड्रोजन में 2-2 घटाते जाना है, अल्केन से लेके अल्काइन तक के। तो इस तरह हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए, मान अगर पता लगा प्रोपोजन मीथेन का पता लगाओ, मीथेन तो यहाँ पर मतलब मीथेन ए यानी आया तो सिंपली किसमें होती नोट कर दिया, हम लोग का फर्स्ट वाले में कर दिया, तो फर्स्ट वाले का जनरल टर्म क्या है, CnH2n+2।
टू। अब याद देखिए दिमाग चलेंगे, अब मैंने क्या बोलते याद करना पड़ेगा, इसमें क्या था रूट वर्ड क्या है, मिथ है, तो कार्बन एटम कितना हो जाएगा, कार्बन एटम कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो यच है हम लोग का CN, यच जो है मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम करता है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम की जगह पे वहां पर क्या रखना है, वन रखना है, क्योंकि कार्बन एटम वन है, तो C1, यच टू इंटू यहाँ पर यन मतलब वन प्लस टू, तो ये कितना हो गया CH2 × 2 + 2 = 4 CH4। तो मीथेन का फार्मूला कितना हो गया, इसे फार्मूला भी निकाल सकते हैं क्या, उसका आप लोग का मोलिकुलर फार्मूला क्या इसे निकल जाएगा, तो मीथेन की कितना हो गया CH4 हो गया, तो CH4 हो गया। अब आपको इसको कैसे बनाना, अगर आपको स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना पड़ेगा तो आप कैसे बनाएंगे, तो कार्बन बीच में रहेगा अल्केन। अब यहाँ पर अब क्या है, चार हाइड्रोजन है, तो चारों हाइड्रोजन उसके अगल बगल हो जाएगा, हाइड्रोजन उसके अगल बगल 1 2 3 4। अब यहाँ पर दिमाग लगाएंगे, अगर ए एन ए मतलब क्या होगा, इसमें सिंगल बॉन्ड होगा, तो सिंगल बॉन्ड आपको सिंगल बॉन्ड मतलब ऐसे डिनोट होगा, सिंपली ऐसे कर देंगे, सिंगल बॉन्ड हम लोग का ऐसे डिनोट होता है, डबल माने इस तरह होता है, ट्रिपल माने इस तरह होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया, ये निकल गया। अगर अब निकालना पड़ेगा एक्स्ट्रा माने, जैसे अब क्या निकालना है, अब आपको कोई भी आप बोले कि न्यूटन का निकालो, क्या मतलब बोलो प्रो को निकालो, प्रोपीन का क्या है, तो प्रोपीन, तो प्रो आया मतलब क्या होगा, प्रो आया मतलब क्या होगा, जो नंबर ऑफ कार्बन है उसमें कितना रहेगा, 3 रहेगा, तो नंबर ऑफ कार्बन मतलब 3 हो गया, तो इसका जनरल टर्म है, यानी लागा मतलब किसमें हो गया, अल्कीन में हो गया, तो अल्कीन का जनरल टर्म फार्मूला क्या है आपको याद करना पड़ेगा, तो इसका